मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम गुड सेफ ड्रॉप्स का फुल रिव्यू करेंगे। अगर इस गुड सेफ ड्रॉप के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सामने ये वाइट और ब्लू कलर का कागज़ का कैटन दिख रहा है जो कि गुड सेफ ड्रॉप है और ये लाइफ स्टार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट है और इसके प्राइस पे भी हम नज़र डालेंगे। देखिए ये इसकी प्राइस जो है 55 रुपये है और इजीली आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। और इसके कंपोजिशन पे भी गौर कर लेते हैं। देखिए इसमें एच 1 ml कंटेंट्स दिया हुआ है यानी कि सीपोडॉक्सिम प्रोक्सटिल 25 mg दिया हुआ है और इस पर एक वार्निंग दी गई है कंपनी द्वारा, उस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए ये शेड्यूल एच ड्रग है, इसे आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते। चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। और ये ड्राई ड्रॉप के रूप में आता है यानी कि ये सस्पेंशन है यानी कि ये गाढ़ा है। सिरप जो होता है वो पतला होता है लिक्विड पानी की तरह। देखिए ये इस तरह के बॉटल में, प्लास्टिक के बॉटल में आता है और ये ड्राई पाउडर इसमें रहता है और हमें डिस्टिल वाटर जो इसमें रहता है, देखिए 10 ml का डिस्टिल वाटर होता है उसमें डालना है और 6 ग्राम इसमें सीपोडॉक्सिम प्रोक्सटिल पाउडर होता है। चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। देखिए गुड सेफ जो ड्रॉप है इसका इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन यानी कि मौसम चेंज होने की वजह से अगर आपके बेबी को यानी कि बच्चे को ये ड्रॉप है, ओनली पेडियाट्रिक यूज़ ओनली है। इसमें देखिए लिखा है फॉर पेडियाट्रिक यूज़, यानी कि ये नवजात शिशु को भी दे सकते हैं और यानी कि न्यू बर्न चाइल्ड से लेकर इसको हम 5 से 6 महीने के अंदर के बच्चों को, नीचे के बच्चों को दे सकते हैं, उससे ऊपर के बच्चों को सिरप चलता है, ड्रॉप नहीं चलता है। यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि सर्दी ज़ुकाम खांसी या बुखार इस तरह के प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर लोग इस गुड सेफ ड्रॉप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इसका जो साल्ट है एक्सेलेंट है और ईज़िली हर जगह मिल जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस पर। तो ये डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट पे। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि बुखार आना या पेट में कोई इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। और भी जगह इसका इस्तेमाल है जैसे कि आरटीआई इन्फेक्शन यानी कि रेस्पेक्टरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि श्वास से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, तो उन कंडीशन में बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि छोटे बेबी को श्वास से संबंधित क्या प्रॉब्लम होती है जैसे कि सीने में अगर कफ वगैरह जम जाए या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए या मुंह में कोई इन्फेक्शन हो जाए या जैसे कि सीने में इन्फेक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा आता है बच्चों को और सीना जकड़ा रहता है, जाम लगता है, बच्चे चिड़चिड़े से रहते हैं, तो उन कंडीशन में इस एंटीबायोटिक का रोल एक्सेलेंट है। और भी जगह इसका इस्तेमाल है जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिन ट्रैक टिश्यू इन्फेक्शन, तो यूटीआई इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी दिया जाता है इसको। जैसे कि यूरिन संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मूत्र संक्रमण आपके बेबी को हो जाए जैसे कि पेशाब रुक रुक का होना या पेशाब के शतपथ आना या खून आना या पेशाब के रास्ते पे कोई घाव वगैरह हो जाए तो उन कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है सुखाने के लिए। और किसी भी एंटीबायोटिक का काम एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में ही इस्तेमाल होता है। और भी जगह इसका इस्तेमाल है जैसे कि मान लीजिए कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो जैसे कि SSTI स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं,
अगर स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके बेबी को, जैसे कि कोई चोट वगैरह लग जाए या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए जिससे कट पिट जाए, कोई बड़ा घाव हो जाए या कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, या मतलब कोई गांठ वगैरह हो, पैदाइश के टाइम लाल लाल गांठ हो जाते हैं, तो उन घाव उन गांठ को सुखाने के लिए या गलाने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, या फोड़ा फुंसी या किसी तरह का घाव हो उसको सुखाने के लिए इसका रिजल्ट एक्सेलेंट है। और भी एक जगह इस्तेमाल है जैसे कि OTT मीडियाज, यानी कि अगर कान में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई फोड़ा फुंसी हो या कान जैसे बाता हो, तो उन कंडीशन में छोटे बच्चों में दिया जाता है ड्रॉप। इसके डोज के बारे में हम बात करेंगे। इसका जैसे डोज जो है, अगर मान लीजिए कि 5 kg का बच्चा है तो उसको हम 10 बूंद दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बच्चा 5 kg से नीचे है, 4 kg है या 3 kg पे 6 बूंद है और 4 kg पे 8 बूंद, दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की एंटीबायोटिक है और इसके 2 ही 4 खुराक देने पे जो किसी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने बताया किसी तरह का इन्फेक्शन हो, फट से दूर हो जाता है। और कभी भी इस एंटीबायोटिक का यूज़ करें तो डॉक्टर से सलाह ले लें उसके बाद ही यूज़ करें, क्योंकि एंटीबायोटिक अपने मन से कभी भी आप यूज़ ना करें, नहीं तो नुकसानदायक हो सकता है। और इसमें देखिए, जब भी आप पानी डाल देते हैं ड्राई सिरप या ड्रॉप में, तो उसको आप जिस दिन डालें उसके अंदर ही यूज़ कर लें, नहीं तो ये 10 दिन बाद ख़राब हो जाता है। 10 दिन के अंदर आपको यूज़ कर लेना, 10 दिन के बाद ये ख़राब हो जाएगा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर इस गुड सेफ ड्रॉप के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।